रतनगर पुलिस ने बकरी चोर गिरोह के चार बदमाशों को गांव जसरासर से किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर लिया रिमांड पर। चूरू की रतनगर पुलिस ने बकरी चोर गिरोह का खुलासा किया है। हरियाणा का यह गिरोह लग्जरी कार से बकरियों की चोरी करता और उन्हें बड़े शहरों के बूचड़खानों में महंगे दामों में बेच देता। चूरू के गांव जसरासर से पुलिस ने इस गैंग के चार बदमाशों को ग्रामीणों की सहायता से गिरफ्तार कर कार सहित बकरियों को भी बरामद किया है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। रतनगर थाना अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि पुलिस ने हरियाणा के झज्जर जिला निवासी गंगाराम बावरी, राजपाल बावरी, रवि कुमार बावरी और सज्जन सिंह बावरी को गिरफ्तार किया है। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पहले रेकी करते और फिर रोही से बकरियां चोरी करते हैं। गांव जसरासर से इन्होंने 13 बकरियों को कार में डाला था। ग्वालों व ग्रामीणों ने इनका पीछा किया और सूचना पर रतनगर तथा सदर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों की सहायता से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से कार सहित बकरियों को भी जब्त कर लिया गया। ये लोग इस क्षेत्र में पहले भी 2-3 राउंड लगा चुके हैं। रिमांड अवधि में इनसे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के बावली लोग हैं जो एक ब्रिजा गाड़ी चेंज लेकर के आए कि ग्रामीण एरिया की रखी करते हैं और जो रोई में जो बकरियां देखते हैं उन बकरियों को उठाकर इस गाड़ी में डालकर ये लेकर जाते हैं। कल जसरासर की रोई में बकरियां चल रही थी तो वहाँ से इन लोगों ने 13 बकरियों को क्या उठाया और उसने अपनी ब्रिजा गाड़ी में डाला तो ग्वालियों ने इनका पीछा किया, उधर गाँव वालों ने पीछा किया और पुलिस स्टेशन रतनगर और सदर चूरू दोनों को गाँव वालों ने सूचित किया। दोनों पुलिस थानों की टीम गई और ग्रामीणों की सहायता से इन दोनों को मौके पर दबोचा, जिनको थाने पर लाके इनके खिलाफ बकरी चोरों का मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश कर पीसी लिया गया है। कितने दिन का लिया है पीसी? तो अभी 2 दिन का ही दिया है, आगे और देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। कारण को इनका लॉजिक ये है कि बकरियां यहाँ से चोरी करते हैं, आगे हम सोए इसी अंधा क्या है कि बूचड़खानों में बेच देते हैं।